आपकी तबीयत पहले से बेहतर लग रही है। शाबाश आयशा, तुम कामयाब होती जा रही हो। थैंक यू, मैं तो बस कोशिश कर रही हूँ और इसके लिए मुझे आपकी इजाजत की भी जरूरत पड़ेगी। इजाजत की क्या जरूरत? परिंदे को पिंजरे से आजाद करवा रही हूँ। जरूर, जब चाहो जहां चाहे उसको साथ ले जाओ, बस ख्याल रखना इनका। चाहो तो इसको तारा को भी साथ ले जाना। नहीं, इस बार मैं इन्हें अकेले लेके जाना चाहती हूँ। इनको जरूरत पड़ेगी तो मैं हूंगी ना। क्यों नहीं, जरूर, बस जरा ख्याल रखना इनका। हेलो हेलो अम्मी। अम्मी दादी बाबा को बहुत याद कर रही हैं। आयजा, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, उन्हें एक ना एक दिन पता चल जाएगा कि उनका बेटा जिंदा है। अम्मी, लेकिन दादी बहुत बीमार रहती हैं, आप जानती हैं। उनकी आंखों में अपने बेटे को मिलने की एक अजीब सी तड़प है। अगर वो बाबा से ना मिल सके और उन्हें कुछ हो गया तो प्लीज प्लीज उन्हें मिलवा दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दादी, अम्मी, कोमल, जो फरिया है। कोमल, मेरे खाने की कहाँ चली गई थी तुम? कहाँ चली गई? अब आ गई अम्मा, हमेशा के लिए आपके पास आ गई। तुम्हें कभी मेरा ख्याल नहीं आया, एक बार भी कोशिश नहीं की मेरे पास आने की, मुझे ढूंढने की। क्यों अम्मा, इतना साफ से नहीं मिले? क्योंकि सुलेमान का एक्सीडेंट हो गया था, वो फैक्ट्री में मजदूरी करते हुए क्रेन से गिर गए थे। मेरे बच्चे का, मेरे मानी का एक्सीडेंट हुआ और वो मजदूरी कर रहा था, मेरा मानी मजदूरी कर रहा था, उसका वो घर क्यों नहीं आ गया, मेरे पास क्यों नहीं आया, मैं उसका इलाज करवाती। दादी, दादी प्लीज मत रो, उसको अपने घर में रखिए, अपने पास रखिए। तुम्हें मुझे क्यों नहीं बताया? अब मैंने फोन किया था, मुझे तुम्हारा कोई फोन नहीं मिला, तुमने मुझे नहीं बताया। मैंने किया था आपको फोन, लेकिन उठाया आपकी बहू ने था। ताहिरा ने? उमर बेटा, अब तुम मेरे साथ चलो अपने घर। नहीं अम्मा, ये मुमकिन नहीं है। क्यों बेटा,
क्योंकि दादी ताबिश को ऐसा लगेगा कि ये सारी शादी मोहब्बत ये सब धोखा है जब उसे ये पता चलेगा कि मैं शाह सुलेमान की बेटी हूँ। नहीं बेटा, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। मुझे यकीन है कुछ नहीं है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। चलो बेटा, अच्छा मेरा एक काम कर दो। जी अम्मा, मुझे मानी की कब्र पर ले जाओगी? मैं उससे माफी मांगूंगी, मैंने उसका ख्याल नहीं रखा। मुझे माफ कर दे, उसका ख्याल नहीं रखा। अम्मा तुम मेरे बगैर वो इतना अच्छा कैसे रहा हो? अम्मा अम्मा रोए मत। अच्छा इधर इधर तो देखे अम्मा, देखे तो सही, देखे ना कौन है। क्या हुआ है? नाथन सीरियस खतरे से बाहर। हुआ क्या था अंकल? मैं तो बस दादी को टहला रही थी और वो बहुत खुश भी थी, फिर अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। और इसीलिए तो एहतियात करने को कहा गया था। सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से ये सब। नहीं बेटा, तुम्हारी टेंशन तो नहीं थी ना उनको नुकसान पहुंचाने की। बाकी जो किस्मत में लिखा होता वो होके नहीं जाता है। और देख, कैसी तबीयत है बिन की? बेहतर है, लेकिन अभी तक होश नहीं आया। डॉक्टर कहता थोड़ा वक्त लगेगा, इनका बीपी शूट कर दिया। डॉक्टर ने कहा है कि अब इनकी वो उम्र नहीं है कि ये ज्यादा चले, इनको आराम की जरूरत। तुम यहाँ रुको, मैं जरा बिलिंग से होकर आता हूँ। जी बेटा, तुम परेशान मत हो, तुमने कुछ नहीं किया। वो हेलो मैम। दादी आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। ऐसे तो नहीं निकलेगी मेरी जान, अभी तो जान में जान आई है। कहाँ है मानी? कौन मानी? मानी तुमने मुझे मिलवाया था ना? नहीं दादी, मैंने तो आपको किसी से नहीं मिलवाया। मैं क्यों मिलवाऊंगी? तुमने नहीं मिलवाया मुझे मानी से? नहीं दादी, मैंने आपको किसी से नहीं मिलवाया। तो ख्वाब था क्या वो? शायद ख्वाब भी होगा। हाँ,
ख्वाब ही होगा। मानी से मैं कहाँ मिल सकती हूँ? मानी तो इस दुनिया में नहीं। दादी आप प्लीज मत रोए, आपकी पहले ही तबीयत खराब है। दादी चुप हो जाए। दादी ने सब गड़बड़ कर दी। उन्होंने नर्स के सामने बाबा का पूछना शुरू कर दिया। नर्स के सामने? अभी कोई नहीं है पीछे। फिर क्या किया तुमने? मैंने बात तो संभालने की कोशिश की लेकिन मुझे लगता है कि उसे शक हो गया है। उसके शक करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम घबरा जाओगी तो उसका शक यकीन में बदल जाएगा। अम्मी मैं इसलिए नहीं घबरा रही कि मैं फंस जाऊंगी। मुझे तो यह है कि अगर ताबिश को पता चल गया तो क्या होगा। आयशा तुम्हें कहीं उससे मोहब्बत तो नहीं हो गई? सुलेमान जी, शाह सुलेमान कौन है? तुमने झूठ बोला था ना? कह दो कि तुमने झूठ बोला था। मेरा मानी जिंदा है ना? ये आप क्या कर रही हैं दादी? मुझे तो खुद पता नहीं मैं क्या कर रही। मुझे तो हर तरफ से अपने बच्चे की आवाजें आती हैं। ख्वाब था क्या वो? नहीं दादी, ये ख्वाब नहीं था। लेकिन आप वादा करें, ये बात आप किसी और के सामने नहीं कहेंगे। आप समझ रही हैं ना? कैसे हो सकता बेटा, इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी बात कि मेरा मानी जिंदा है, ये कैसे होगा? दादी बिल्कुल वैसे ही जैसे इतने सालों से छुपी है। मैं वादा करती हूँ मैं खुद आपको बाबा से मिलवाती रहूंगी, लेकिन आप ये किसी के सामने नहीं कहेंगे। प्लीज दादी, समझ रही है ना? बेटा दिल टूट जाएगा मैं डर तू हो जा किसे होर दा होना नहीं। एक बारी हाथ साडा फड़ ले तू जानिया ए हाथ ऐसा छड़ना नहीं। तू आजा मेरे को ओ कुछ